उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वॉइस ऑफ माउंटेन्स में आपका स्वागत है। जल संकट से जूझ रहे मनियारसी और कंडवालसियों पट्टियों के गांव के लिए करोड़ों लागत से ब्याज पट्टी डांगाडा नागराजा पपिंग योजना। फिर भी ग्रामीणों के हलक सूखे। पौड़ी गढ़वाल के ब्याज पट्टी डांडा नागराजा पपिंग योजना को बने एक साल हो गया है और ट्रायल को भी एक साल हो गया है, फिर भी गांव में पानी की कमी। मनियारसी पट्टी के दिगुआ गांव में कोविड 19 से 300 अतिरिक्त प्रवासी गांव के लिए आए, लेकिन पानी के संकट से जूझ रहे हैं। इसी प्रकार कंडवालसियों पट्टी के खड़ोगला, बिरसना, जमरी, कापड़, गिड़ंगवाला, री, नौड़, शिमला, डांगू, बांझ खान आदि गांव में पंपिंग योजना का नियमित पानी नहीं पहुंच रहा है। क्या कहते हैं गांव के दिवा में खड़ोकला के ग्रामीण, देखिए जीरा गांव से हमारी संवाददाता जगमोहन डांगू जी की रिपोर्ट। यह है कारगिल शहीद सूबेदार कृपाल सिंह रावत का गांव, जहां शहीद के नाम से सड़क तो है लेकिन सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय है और साथ ही यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। पानी के लिए लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वर्तमान में गांव में 300 लोग प्रवासी लोग आए हुए हैं, जिन्होंने क्वारंटीन में अपना पानी के लिए बहुत परेशान रहे। ये ग्राम दिवसा में पाइपलाइन ओपन बिछी हुई है और ये डांडा नागजा पंपिंग योजना की जो लूप लाइन है दिवसा गांव की ओपन लाइन है और यहाँ पे जानवरों को जो है या राहगीर जो रात को आवाजाही करेंगे वो इसमें रपड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो साइज भी जो है बीचों बीच संपर्क मार्ग पे और इसको इस तरह देखो पूरा रास्ता जो है इसको अंगेज कर रखा है, कभी भी कोई भी इसमें हादसा हो सकता है और इसको जो है इस तरह पाइपलाइन को बिछाकर अपनी खाना पूर्ति कर दी गई है। इनमें काफ़ी लोग आ रखे तो उनके भी पानी क्या व्यवस्था कैसे व्यवस्था हो रही उनके। पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ये पाइपलाइन है पेयजल डांडा नागराजा पेयजल योजना की जो नगर जल नगर निगम से पास हो रखी है, इसमें कहीं भी एक बूंद पानी नहीं टपका जब से पाइप, आप देख रहे हो कि पूरी पाइपलाइन खुली पड़ी है ना। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हम आपके लिए एक टैंक बनाएंगे आपके गांव के ऊपर, वो टैंक भी नहीं बना। अब वो टैंक बना रखा है इन्होंने बगानी खाल में, इस पर किसी भी प्रकार से पानी की एक बूंद टिकी जा स्टैंड पर देखने वाली बात है, कहीं पर नल लगे हुए हैं कहीं पर नहीं लगे हैं। ये तो आप भी वीडियो बना के देख रहे हैं कि कहीं पर पानी की बिल्कुल इतनी तंगी है और आप देख रहे हो कि हमारे गाँव में कितने क्वारंटीन लोग आ रखे हैं, है ना। पानी की बिल्कुल तंगी हो रखी है इस गांव में, कुछ भी नहीं है। लोग दो दो चार चार डब्बे दे रहे हैं उनको, है ना। कोई पड़ोसी दे रहा है कोई कुछ दे रहा है, वो बेचारे क्या करेंगे। अब उनको पानी मिले को जाएंगे भाई इधर उधर तो जाएंगे, अब प्यासा तो रहेंगे नहीं, इधर उधर घूमेंगे पानी तो लाएंगे अपने लिए। किसी के चार बच्चे हैं किसी के दो बच्चे हैं, है ना। और पानी की ये तंगी देखो कितनी बुरी हालत हो रखी है यहाँ पे पानी की। आपका सुना भीम सिंह भाई साहब, पानी जो है यहाँ पे पंपिंग योजना डांडा नागराजा की जो है अंबेडकर गांव भी है और इसके लिए विशेष योजना बनी है डांडा नागराजा पंपिंग योजना, इसको जोड़ा गया था यहाँ वैसे बकायदा टैंक की मांग की गई थी, टैंक भी बना हुआ है ये ऊपर बगनी खाल में। तो पानी ये तो पानी की तो बड़ी दयनीय स्थिति है। ये पाइपलाइन देखो पूरी खुली है और ये यहाँ ना तो इतना बड़ा गाँव है ना तो यहाँ कोई टैंक की व्यवस्था है और ये पाइपलाइन पूरी स्टैंड पोस्ट तक भी पाइप नहीं बिछे पड़े हैं लगे हैं और ये बहुत ही बदहाल स्थिति है यहाँ की। नहीं बोला अच्छा ये जो हाँ डांडा नागराजा पंपिंग योजना जो कि इनकी ये योजना इससे पहले थोड़ी बहुत चालू कर दी थी लेकिन आजकल पानी बंद हो रखा है, उस पर दो ढाई तीन महीने से पानी नहीं चल रहा है उस पर। उसकी लूप लाइन भी इन्होंने ऊपर नीचे डाल रखी है और टैंक ऊपर बना दिया है, इससे पानी जो है दो महीने से आ ही नहीं रहा है। क्या तक समस्या है ये जो डांडा नागराजा बड़ी योजना है इसका पानी यहाँ पर पहुँच रहा है।
सर डानर तक पानी का जो योजना है वो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। आपके सामने ये बगल में भी नल का लगा हुआ है जो सूखा हुआ है, कुछ क्षेत्र तक आ रही है जैसे बगानी का हाल तक थोड़ा पहुँच रहा है पर पूरे प्रॉपर पूरी ग्राम से हमें नहीं पहुँच पा, जिससे पानी की बहुत बड़ी समस्या बनी पड़ी है। पानी की क्या मेन समस्या आपके यहाँ पर पानी? नमस्कार और धन्यवाद आपका जो आप यहाँ पे आए, मैं ग्राम सभा की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। डांगी जी, सबसे पहले तो मैं अपने इष्ट देवता से बेताल से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो अस्वस्थ हैं और उनकी स्वस्थता की कामना के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना सारे ग्राम सभा की तरफ से करता हूँ ताकि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। पानी की जो समस्या है यहाँ पे, ये जो डांडा नागरजा पेयजल योजना है यही एक समाधान है कि जो गाँव में पानी की समस्या को दूर कर सकता है और यदि यह सुचारू रूप से सही ढंग से चले तो हमारे गाँव ग्राम सभा दूसरा में जितने भी दो तीन छोटे गांव भी आते हैं इनकी समस्या समाधान हो सकती है। बशर्ते है कि शासन प्रशासन अधिकारी और प्रतिनिधि इसमें सही ढंग से मेहनत करके काम करें। जय उत्तराखंड, आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी छे। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखिया और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। आने वाला दिनों ते से की संभाल लिया ए जावा